भेड़िया फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज तो मैं कह सकता हूँ कि इस फिल्म का CGI और VFX बिना 3D में देखे भी फोन की स्क्रीन पर कमाल का दिखता है। तू समझा? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि बॉलीवुड के मार्केट में ये कौन सा नया भेड़िया घुस आया, तो मैं आपको बता दूं, भेड़िया फिल्म मैडॉक स्टूडियोज के हॉरर यूनिवर्स की तीसरी मूवी है। इससे पहले जो दो मूवी आई थी वो थी 2018 की स्त्री और 2021 की रूही। और इन तीन मूवीज के अलावा भी कुछ तीन मूवीज और लाइन में है। और इन सारी मूवीज के आने के बाद एंड में ये इन सारे कैरेक्टर्स को एक ही मूवी में लाएंगे और इन्हें ये कहेंगे भूतों का एंड गेम। अच्छा, प्लान तो इनका कुछ ऐसा ही है, लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि स्त्री मूवी में लीड रोल प्ले करने वाले राजकुमार राव सर रूही मूवी में भी लीड रोल कर चुके हैं, डिफरेंट नाम डिफरेंट पहचान के। और वहीं स्त्री मूवी में दिखे अभिषेक बैनर्जी भेड़िया मूवी में भी रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अभी बात करते हैं इस फिल्म के VFX और खासकर भेड़िया के CGI। इस काम को अंजाम दिया है MPCD हॉलीवुड स्टूडियो ने, जिन्होंने दी जंगल बुक, गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग, मॉर्टल कॉम्बैट जैसी मूवीज के लिए भी काम किया है। और इसलिए 100 करोड़ के बजट में बना भेड़िया 500 करोड़ के बंदरों से 1000 गुना ज्यादा रियल लग रहा है।